स्वागत करता हूं फिर से मेरे एक न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये देख सकते हैं, एक ऑयल स्टार्टर है जिसमें मैं ऑटो स्विच लगाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं बता देता हूं, मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूं स्टार्टर के कनेक्शन जो ऑटो स्विच लगाते हैं कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पूरा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो कनेक्शन है आप लोग कभी भी देखा नहीं होगा। ये जो कनेक्शन है फ्रेंड्स, बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए कि आपको पहले पता था। लेकिन ये वाला जो कनेक्शन है फ्रेंड्स, बहुत ही डिफरेंट है। तो जो नॉर्मली आप लोगों को बताया जाता है या आप लोग यूट्यूब में या किसी से देखते हैं तो वो सब नॉर्मल टाइप का वायरिंग रहता है। लेकिन इसमें फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, किसी को भी वायरिंग को निकालना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली दूसरा जो वायरिंग रहता है कनेक्शन, ये वाला लूप निकालते थे। लेकिन ये वाला जो मैं आप लोगों को ऑटो स्विच सिखाने वाला हूँ कनेक्शन, इसका आपको ये वाला लूप निकालना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी तरीका है। आप कोई भी ये वीडियो देख के ये जो ऑटो स्विच है आप लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो प्रैक्टिकल भी पूरा, मैं खेत में जाके इसका कनेक्शन किया था और मैं वो भी दिखाने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में। तो पहले इसका कनेक्शन पूरा दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आप लोगों को ये ऑटो स्विच के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, रेड येलो ब्लू है, जो कि R1 R2 R3 लिखा है, NV इन सीरीज विथ 9 वोल्ट कॉयल। तो ये 9 वोल्ट कॉयल जो हमारा इसके अंदर मैग्नेट कॉयल रहता है उसको जाएगा, 9 वोल्ट NV का मतलब है। और S1 और S2 एक्रॉस ऑन पुश बटन, मतलब ये जो है ये दोनों एक्रॉस में लगेगा, जो स्टार्ट पुश बटन है, ठीक है, ये ऑन पुश बटन लिखा है। तो फ्रेंड्स, ये 7 वायर वाला ऑटो है। तो ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे LED देख सकते हैं, ये ऑन लिखा है, डिले है, हेल्थी है, फॉल्टी है। तो ऑन मतलब जब डिले टाइम खत्म होगा तो ऑन बटन, ये ऑन जो लाइट है जलेगा, ठीक है। तो पहले जब चालू होता है ऑटो, पहले डिले चालू होता है फिर ऑन आता है जो टाइमिंग खत्म होने के बाद। और हेल्थी मतलब क्या है, पहले ऑटो अगर आप सप्लाई देंगे तो ये हेल्थी चलेगा, तो आपका जो सप्लाई है ये सही है। अगर फॉल्टी आया तो आपका फेज नहीं आ रहा है या फेज उल्टा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको बाद में फेज आपस में चेंज कर लेना है, रेड और ब्लू को आपस में चेंज कर लेना है। मैं पहले भी बताया था इस बार में आप लोगों को इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इतना ही रहता है इसके अंदर, ठीक है। और ये वाला स्विच देख सकते हैं, सेंटर में रहेगा तो बंद है, नीचे करेंगे तो मैनुअल है और ऊपर करेंगे तो ऑटो है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैं आप लोगों को कनेक्शन दिखाता हूँ इसका। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्टार्ट बटन है ग्रीन वाला, ये स्टॉप बटन है, और ये रिले है। यहाँ पे देख सकते हैं रेड वाला, यहाँ पे रिले है। ये साइड लेफ्ट वाला साइड जो है ये आउटपुट है मोटर को, A1 B1 C1, और ये वाला इनपुट है L1 L2 L3। तो यहाँ पे 3 टर्मिनल है और यहाँ पे 3 टर्मिनल है। आप लोगों को पता होगा या नहीं पता है तो यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरह से दिख रहा है। तो आशा करता हूँ इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी जो ऑटो स्विच है मैं लगाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये पहले हमको लेना है 3 फेज का, देखिए R1 R2 R3, जो कि हमारा ये L1 L2 L3 को आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं तीनों को एक एक करके लगा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये फेज वायर के साथ आएगा साथ में, और येलो को बीच में लगाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी रेड येलो ब्लू लग चुका है। अगर आपका यहाँ पे अनहेल्दी आ रहा है, ये हेल्दी नहीं फॉल्टी आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं फॉल्टी अगर आया अलार्म, यहाँ पे लाइट जल रहा है, तो यहाँ पे चेंज कर लेना है आपको, रेड और ब्लू को इंटरचेंज कर लेना है, ब्लू के जगह पे रेड, रेड के जगह पे ब्लू लगा लेना है, इतना ही काम है बस। फिर अभी जो NV है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऑटो स्विच है, यहाँ पे जो NV है, ये NV का ब्लैक वायर है, यहाँ पे देख सकते हैं इसको लगाना है। तो ये ब्लैक वाला 2 वायर है यहाँ पे, देखिए। तो मैं इसको फ्रेंड्स ऊपर से ही लगा लेता हूँ, क्योंकि वायर थोड़ा छोटा पड़ रहा है। तो आप लोगों को खाली दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख,
ये वाला देख सकते हैं, ये फेज आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये स्टॉप बॉटम को, ठीक है। और यहाँ से जो आउटपुट है फ्रेंड्स, ये हमारा जाता है ये वाला टर्मिनल को, यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं ये टर्मिनल जो है ये कॉइल को जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये जो देख सकते हैं ये ब्लैक एक वायर को यहाँ पे जोड़ लेना है और इसको इंसुलेशन टेप लगा लेना है, ठीक है। कभी भी इसको अलग मत छोड़ो क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट हो सकता है, अंदर हो जाएगा, ठीक है। और एक ब्लैक वायर को जो हम लोग लूप नहीं, यहाँ पे जो वायर निकाले थे वहाँ पे लगा देना है, ये ब्लैक वाला एन भी जो 9 वोल्ट कॉइल को ये जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है 9 वोल्ट कॉइल को ऑन ऑफ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एन भी का है कनेक्शन हो चुका है, स्टॉप पुश बटन में लगा है और इसको मैं निकाल दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये वायर को जोड़ लेना है ऐसे वायर को, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकाल रहा था, ये एन भी का कनेक्शन हो चुका है, यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। और अभी हमारा बचा है यहाँ पे देख सकते हैं दो वाइट जो कि आ रहा है S1 और S2 एक्रॉस स्टार्ट पुश बटन, ये वाला जो है, ठीक। देखिए तो एक को आपको स्टार्ट बटन में लगाना है एक साइड में, और एक को भी वही स्टार्ट बटन में लगा लेना है यहीं पे, जो दूसरा टर्मिनल है स्टार्ट बटन का, जो दो टर्मिनल है दोनों में एक एक को लगा लेना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी पूरा कनेक्शन हो चुका है हमारा, ये वाला देख सकते हैं वाइट वाला आपका जो दो वायर था S1 S2 का, वही स्टार्ट बटन में लग गया है यहाँ पे दोनों टर्मिनल पे, और ब्लैक वाला एक यहाँ पे रेड वाला जो ये बाहर वाला टर्मिनल है ये साइड में राइट हैंड साइड में इसमें लगाना है, और एक यहाँ से जो निकाले थे वायर जो ब्लैक वाला वायर कॉइल को जो इनपुट आ रहा था ये डायरेक्ट अभी आ गया है ये वाला एक ब्लैक वायर को कनेक्शन के साथ, और तीन रेड येलो ब्लू लग गया है। तो फ्रेंड्स इतना ही कनेक्शन है ये ऑटो स्विच का, इसका मैं प्रैक्टिकल अभी आगे दिखाता हूँ, देख लीजिए कैसे इसका जो काम करता है ये ऑटो मोटर के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा डिले टाइम खत्म हो चुका है और यहाँ पे जो ग्रीन लाइट है जल गया है, तो अभी मैं चालू कर देता हूँ ऑटो मोड में। देखिए स्टार्टर हमारा चालू हो गया है और यहाँ पे अच्छे से कनेक्शन देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं बताया था वैसा ही कनेक्शन है यहाँ पे। इस तरह से आप कोई भी ऑयल स्टार्टर में ऑटो स्विच लगा सकते हैं, बहुत ही ईजी कनेक्शन है फ्रेंड्स। थोड़ा अच्छे से वीडियो को देख लीजिए। तो पूरा प्रैक्टिकल करने के बाद मैं इस वीडियो को बनाया हूँ, तो वीडियो पूरा सही है, कुछ भी गलत नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ डाउट है मुझे कमेंट कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। जय हिंद।